हेलो दोस्तों, तो अब मैं हूँ सिंगापुर के अल्बर्ट सेंटर के पास। इस एरिया का नाम है बुगीस। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रीट साइड पे शॉप्स वगैरह हैं। तो दोस्तों, ढेर सारी दुकानें हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब ये जो है, ये फूड स्टॉल्स हैं ज़्यादातर यहाँ पर इस गली में। तो ये हर जगह छोटी छोटी गलियों के बीच में इस तरह के स्टॉल्स वगैरह देखने को मिलेंगे आपको। ये देखिए, मैंने अभी मेरे रोड क्रॉस किया, उसके सामने है द वेलिंगटन स्क्वायर, ये बिल्डिंग है। ये देखिए, सिंगापुर टूरिस्ट पास है 1 डे, 2 डे एंड 3 डे। फिर तो दोस्तों, मैंने सिंगापुर टूरिस्ट पास ले लिया है। ये 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन का अलग अलग इनके पास स्कीम है। तो मैंने जो लिया है वो लिया है 2 डेज़ पास, यानी आज और कल रात 12 बजे तक के लिए है। इसको या तो मुझे यहीं पर, जहाँ से मैंने ये बुगिस स्टेशन से लिया है, यहाँ मुझे ये सरेंडर करना पड़ेगा। इसके ऊपर $16 की इसकी कॉस्ट है, $10 मैंने इसके जो है रिफंडेबल डिपॉज़िट दिया है। तो जब मैं वापस जाऊँगा तो या तो मुझे यहीं आना पड़ेगा, या फिर मैं चांगी एयरपोर्ट जो है सिंगापुर का, वहाँ पर भी मैं इसको सरेंडर कर सकता हूँ। वहाँ से मुझे $10 रिफ़ंड मिल जाएंगे। अभी मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ सिंगापुर में। ये मैं जा रहा हूँ अभी बे फ्रंट। ये ऐसा कुछ नज़ारा MRT ट्रेन का, ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे यात्री बैठे हुए हैं। तो अगर आपको थोड़ा इकोनॉमिक ट्रैवल करना है तो आप ये वाला सिंगापुर टूरिस्ट पास ज़रूर ले लीजिएगा। तो दोस्तों, अभी मैं बे फ्रंट उतरा हूँ। वहाँ से मुझे ये रास्ता मिला मरीना बे सैंड्स बाहर निकलने के लिए। दोस्तों, ये देखिए, ये बोट राइड है। दस से 12 मिनट का बोट राइड होगा वैसे ये, और अच्छा है। अगर आप कुछ एक नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो यू शुड ट्राई। बहुत बड़ा मॉल है दोस्तों, और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है विद इन, कई लेवल्स है इसके, और कि कई जगह पे एंट्री फीस वगैरह भी है, कई जगह पे फ्री है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जो है ना, शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में एक लाइट शो होता है। तो आप लोग अगर रात में आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको वो लाइट शो आप लोग जो है देख सकेंगे 8 बजे से 9 बजे के बीच में। आगे से दिखाता हूँ आपको नज़ारा। ये एंट्री फ्री है वाटर फ्रंट स्टेशन MRT से। जब आप उतरेंगे तो आप बोर्ड को फॉलो करते हुए आ सकते हैं।
इजीली। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है नज़ारा यहाँ का, और करीब से दिखाता हूँ आपको। ज़बरदस्त, ये देखिए। अभी मैं इसका कवरेज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये शायद आप लोगों ने इसके फोटोज़ वगैरह तो देखे ही होंगे। तो ये इसी जगह पे स्थित है, बे सैंड्स के अंदर। आप इधर आएंगे तो ये दिख सकता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ दरिया का नज़ारा बिल्कुल करीब से। अब मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, ये देख सकते हैं आप। देखा आपने कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। जहाँ से मैं आया हूँ वो दोस्तों वहाँ शॉप से नीचे बेसमेंट के अंदर, वहाँ से ऊपर की तरफ आएंगे तो ये व्यू आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, अब भाई चलता हूँ अंदर। यहाँ पे ये मॉल है, यहाँ चलते हैं अंदर, देखते हैं ज़रा, विंडो शॉपिंग करके आते हैं। चलो आते जाओ मेरे साथ। ये देखो दोस्तों कितना ज़बरदस्त नज़ारा है इस मॉल के अंदर से। तो मैंने अभी आपको बताया दरिया किनारे पे जो मॉल है, ये देखो, इससे अच्छा व्यू और कहीं से मिल नहीं सकता था, तो मैं अंदर आ गया। दोस्तों इस मॉल में ज़रूर आइए आप लोग, बहुत ज़बरदस्त है ये। देखिए पीछे म्यूज़िक बज रहा है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त है। ये देख रहे हैं मेरे पीछे आप। तो मैं इसमें नीचे बेसमेंट में आना मत भूलिएगा दोस्तों। उस मॉल के अंदर से जो मैंने दरिया किनारे मॉल दिखाया है, लुई विटॉन का जो है स्टोर है, वहाँ से अंदर आएंगे आप तो ये नज़ारा मेरे पीछे का देखने मिलेगा जो आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आई जस्ट मेट समबडी फ्रॉम फिलीपींस। मैं यहाँ पर बैठा हुआ था तो मैं इनसे मिला। आई जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज एलन फ्रॉम द फिलीपींस, डाबाओ फिलीपींस। ओके, आई एम आल्सो टूरिस्ट जस्ट लाइक यू। ऑलराइट, हाउ इज द कंट्री? इज गुड फॉर टूरिस्ट? टूरिस्ट रियली ग्रेट। आई शुड कम देयर? या यू शुड विजिट। या यू शुड। ओके, आर देयर लॉट ऑफ इंडियंस इन फिलीपींस आल्सो? डेफिनेटली दे हैव। ओके, दे आर मेडिकल स्टूडेंट्स। मेडिकल स्टूडेंट्स, ओके। So it's really cheap. How long are you here now? In Singapore, I've been here for already 4 days. 4 days, huh? And I'm going to be leaving probably on the 7th. Okay. Where are you going now? Now we're going to Sentosa. Okay. After Singapore, you'll be going back to country? No. Yeah. I'm going to work. Going to work. Yeah. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स। तो दोस्तों ये थे फिलीपींस से, ये बता रहे हैं कि फिलीपींस जो है टूरिस्ट लोग के लिए बहुत अच्छी कंट्री है। वहाँ पे काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स हैं अभी, तो अगर आप लोग भी फिलीपींस घूमना चाहते हैं तो एक फीडबैक मिल गया है पॉजिटिव कि इट इज़ गुड फॉर टूरिस्ट, लॉट ऑफ इंडियन पीपल आर ट्रैवलिंग इन टू फिलीपींस ऑल्सो।
तो होपफुली मेरी लिस्ट में अगला जो डेस्टिनेशन होगा फिलीपींस हो सकता है, कि मैं अभी जस्ट इस पर वर्क कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइए कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियोस। मिलते हैं फिर अगली डेस्टिनेशन पे। तो दोस्तों अब मैं निकल रहा हूँ गार्डन्स बाय द बे साउथ इस तरफ। तो ये रास्ता जो है गार्डन्स बाय द बे की तरफ जा रहा है। ये देखिए मैं आ गया हूँ गार्डन्स बाय द बे, फ्लावर डोम एंड क्लाउड फॉरेस्ट यहाँ पर है। यहाँ पे फैंटेसी थिएटर है जहाँ जिसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी। एक गार्डन के लिए भी एंट्री टिकट है यहाँ पे, यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो ये दोस्तों यहाँ पे ये शटर सर्विस है, आपको ये टूर कराती है, इसका $3 कॉस्ट है। ये देखो दोस्तों, और करीब से लेकर आ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, देख सकते हैं आप। $3 में आपका शटल जो है ये वर्थ है, ये अंदर की तरफ, ये काफ़ी अंदर तक लेके जाएंगे और बहुत खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे हैं अंदर देखने के लिए। अभी तो मैं सिर्फ बाहर की तरफ का आपको दिखा रहा हूँ, अंदर तक गया भी नहीं हूँ मैं। ये देखिए शटल आ गई देखिए। तो दोस्तों ऐसा कुछ नज़ारा है गार्डन्स बाय द बे का।